फॉन्ड ऑफ अमित, आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ लीना, पर आज बड़ी खुशी हुई लीना भी एक राइटर बन गई, कमाल है, हम वहीं के वहीं रह के आगे बढ़ गई। और अमित इज अ सच्चा डार्लिंग एंड आई एम सो फॉन्ड ऑफ हिम। ये घर पे आया बुलाने, मैंने कहा तुझे फोन कर देता हम पहुंच जाते, मेरे को वैसे ही शौक है अच्छे अच्छे गाने वालों को सुनने का। और देखिए कई सच्ची कहता तो अपनी हुक को संभालते हुए मैं छोटा सा जुमला कहता हूँ, जिंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो ख्वाहिशों का है। मेरी आवाज हो गई थी शैलेंद्र सिंह की बॉबी के बाद, तो बॉबी के बाद इंट्रोड्यूस किया था लक्ष्मीकांत प्याला जी ने, तो सिंगर भी शैलेंद्र सिंह को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके बाद हर प्रोड्यूसर को मैं कहता था कि भाई देखो मेरी इतनी पॉपुलर वॉइस मेरे लिए इंट्रोड्यूस की गई है, तो आप भी वो दे दीजिए। तो मैं भी उनसे कहता था, तो लक्ष्मी जी ऑब्वियसली प्रोटेजे शैलेंद्र सिंह, तो पंचम से भी कहा गया भी करो, तो पंचम ने एक दो पिक्चरों में शैलेंद्र सिंह को जरूर लिया। लेकिन हुआ ये कि पंचम ने बोला कि ये लड़का आ रहा है स्टबल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और मेरी पहली पिक्चर है इसके साथ, तो मुझे भी एक गाना ऐसा देना इसे जो पीपल जो याद रहे। अच्छा ये इंसिडेंट मुझे पंचम ने खुद बताया था। तो पंचम ने कहा कि ये गाना शायद शेरू नहीं ले सकेगा, ये तो किशोरदा को ही लेना पड़ेगा। तो मुझ पे आया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आया कि भाई ऐसी सी बात है, उससे पहले तो सब कल्याणजी भाई ने भी, लक्ष्मी जी ने, पंचम ने भी दो तीन गाने शेरू से सब गवाए थे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, किशोरदा इतने सीनियर आती है, वो तो देव साहब के प्लेबैक आवाज है, वो तो देव साहब मेरे फादर की उम्र के, तो मैं उनकी आवाज में कैसे गा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भी देखो ये गाना सिर्फ अगर कोई गाएगा तो किशोर कुमार साहब ही गाएंगे, नहीं तो और कोई नहीं गाएगा। खैर आई हैड टू गिव इन एंड मैंने कहा जरूर। और वो गाना कौन सा, वो जो पहला गाना मेरी जिंदगी का किशोर कुमार साहब की आवाज में था, वो गाना था जहरीला इंसान का, वो गाना था ओ हंसनी।